सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हमेशा याद रखें, आप ही अपनी पहचान बना सकते हैं और आप ही अपनी पहचान बिगाड़ सकते हैं। किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या फायदा, क्या पता किस्मत में लिखा हो कि कोशिश से ही मिलेगा। जन्म देने वाले से अच्छी शिक्षा देने वाले को अधिक सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो बस जन्म दिया है पर उन्होंने जीना सिखाया है। आज का पंचांग 30 मई 2021 दिन रविवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि रात्रि 2:12 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र शाम 4:41 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:24 से 7:04 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। धनुराशि 30 मई 2021 दिन रविवार, अपने सृजनात्मक विचारों को कार्यान्वित करने का यह बहुत अच्छा समय है। अपने विचारों को बड़ा रखें तथा किसी बौद्धिक या व्यावसायिक प्रशिक्षण में हिस्सा लें, इससे आपको औरों पर बढ़त हासिल होगी। हालांकि ऐसा करते हुए आपको कुछ वित्तीय परेशानियां आ सकती हैं। कहीं से अच्छे तथा शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। किसी नजदीकी संबंधी की समस्या को हल करने में आपकी विशेष भूमिका रह सकती है। परिवार के साथ ऑनलाइन शॉपिंग में भी खुशनुमा समय व्यतीत होगा। जिन कठिन प्रश्न का उत्तर ढूंढने में अभी तक आप असफल हो रहे थे, उसी से संबंधित मार्ग प्राप्त होगा। भले ही आपकी कठिनाई पूरी तरह से सुलझ नहीं जाएगी, लेकिन महत्वपूर्ण बातों से संबंधित बातें आसान होगी, जिसके कारण आपको सकारात्मक महसूस होगा और आपने उत्साह के साथ काम की शुरुआत कर सकते हैं। काम से संबंधित जिम्मेदारी अकेले ही पूरी करनी होगी, जिसके लिए आपको मदद प्राप्त होगी, लेकिन काम की जिम्मेदारी कोई भी बांटने के लिए तैयार नहीं होगा। आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए पार्टनर आपको प्रेरित करते रहेंगे। ठीक रहेगी, जो भी बदलाव आपने जीवन शैली में लाया है उसे कायम रखने की कोशिश करें। सावधानियां, अति आत्मविश्वास और ईगो की वजह से आपके बनते काम बिगड़ भी सकते हैं। अपनी विचारधारा में परिवर्तन लाए, दूसरों की एडवाइस पर ज्यादा भरोसा ना करें। मानसिक सुकून पाने के लिए कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में भी जरूर व्यतीत करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच घर की व्यवस्था को लेकर कुछ कहा सुनी हो सकती है, प्रेम संबंध और गहरा होगा। आज आप ऐसे साथी से मिल सकते हैं जिसका आप सपना देखा करते थे। यह व्यक्ति आप ही की तरह दिलचस्प और साहसी होगा। आपको समय से इस तरह के व्यक्ति से मिलने की कोशिश कर रहे थे। प्रेम की चिंगारी आप में रहेगी और आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहेंगे। उस व्यक्ति को धीमे से अपने प्रेम रूपी भावनाएं व्यक्त करना ना भूलें। बात करते हैं करियर की। आपका ध्यान आज भटकने की संभावना है। हालांकि आपका कार्य जमा होता जा रहा है, लेकिन आपका ध्यान उत्पादक गतिविधियों में लिप्त रहेगा। लेकिन फिर भी आपको आराम करने का अवसर मिल पाएगा, क्योंकि जागरूकता और चिंता हमेशा आपके मन पर हावी रहेगी कि आपका कार्य अभी अधूरा है। आपका लंबित कार्य जमा होता रहेगा, जो कि आपकी कार्य प्रणाली की दिनचर्या पर एक दीर्घकालीन प्रभाव डाल सकता है। व्यापार से संबंधित कामों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। किसी अधिकारी से मन मुताबिक सहायता भी मिलेगी। खर्चा पर
नियंत्रण रखें। पैसा आने के साथ साथ जाने का रास्ता भी तैयार रहेगा। बात करते हैं सेहत की। बदन दर्द और बुखार की परेशानी रहेगी, लापरवाही ना करें, तुरंत इलाज लें। आप अभी किसी ऐसी स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बाहर निकलने की हर कोशिश अभी नाकाम साबित हो रही है, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप जिम जाना या खाना खाना भूल ही जाएं। खुद से अपेक्षाएं थोड़ी कम रखें। असाधारण दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। कुछ बातें मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ गरीबों को आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।